आगरा जमुना पार्क के ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस एक गोयल चौराहे पर चर्चित मेडिकल स्टोर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं थाने की पुलिस बल के साथ मेडिकल पर पहुंच गए। मेडिकल पर कार्यवाही देखते हुए अन्य मेडिकलों में हड़कंप मच गया। लोग दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। अधिकारियों ने दुकान से कुछ सैंपल भी लिए। यह मेडिकल माना हुआ मेडिकल है जो कि घंटों के हिसाब से लाइन लगानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि उन मेडिकल पर कभी गलत दवाएं नहीं मिलती है। बरसों का भरोसा है, किसी ने गलत सूचना दी है। जब अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये दुकान किसी अन्य दुकान के नंबर पर चल रही है। अब सूचना ये है कि जब सूचना जीएसटी नंबर को लेकर है तो दवाइयों के सैंपल क्यों लिए गए। वही दुकानदार का कहना है कि मैं सपा पार्टी का हूँ, इसलिए मुझ पर राजनीतिक पार्टी का दबाव बनाया जा रहा है कि दुकान को खाली करो। इस वजह से राजनीतिक लोगों ने गलत सूचना देकर अधिकारियों को मेरे खिलाफ भड़काया गया है। जांच की कार्यवाही के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ गलत तत्व के लोग जो है टारगेट बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को डायरेक्टली टारगेट बनाए जा रहे हैं। व्यापार स्थल है और यहाँ आए थे, उल्टी सीधी प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं और मेरे खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिसमें उन्होंने पेशाब करता हुआ पाया गया था और पदाधिकारी होने के कारण ये हमसे जो है वो निकालते हैं। अच्छा, अधिकारी का कहना है कि जो दुकान है वो अलग नंबर पर है और दूसरे नंबर पर चल रही है। ये मेरा निर्माण कार्य चल रहा था, इसीलिए मैंने शिफ्ट कर ली थी स्टोर केवल, उसमें कोई कारोबार नहीं हो रहा था, ना दुकान चल रही थी। मेरा निर्माण नया निर्माण किया गया, उसके लिए मैंने स्टोर बना दिया। अब ये तो सीधा सीधा हो रहा है कि पार्टी के लोगों को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। क्लियर हो जाता है, ये बताने की बात ही नहीं, साफ साफ क्लियर हो जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है। शिकायत थी कि ये ओम मेडिकल स्टोर जी, इसका लाइसेंस किसी दूसरी जगह का है, चल किसी दूसरी जगह रही है, इसके अलावा भी शिकायत कई चीज़ें, तो आज इसी की जांच। तो क्या शिकायत में क्या पाया गया? जांच चल रही है, अगर जांच में सही पाया जाता तो क्या कार्रवाई होगी? कुछ नियम में होगा, वो कार्रवाई सही होगा जो नियम में होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही